इस धारावाही की घटनाएं और पात्र काल्पनिक हैं, इनका वास्तविक जीवन से कोई संबंध नहीं है। जैसे मेरे जीवन में खुशियों के दिन आने वाले हैं दीदी, मैं अपने अंदर एक नया जोश और नया विश्वास अनुभव कर रहा हूं। ये अचानक विश्वास, जोश, इसकी वजह? दीदी मुझे नौकरी मिल गई। क्या? हाँ सर दीदी, और ये नौकरी मिलते ही मैंने सोचा कि ये खबर सबसे पहले आपको दूं। ये खबर देखकर तो सचमुच तुमने हमें बहुत बड़ी खुशी दी है। हाँ दीदी, दीदी मैंने सोचा कि अब इज्जत और स्वाभिमान की जिंदगी। दीदी बहुत इधर उधर भटक लिया, भैया भाभी पे बोझ भी बन लिया, लेकिन दीदी अब मैं अपने पैरों पे खड़ा होकर पसीने की और मेहनत की कमाई खाना चाहता हूँ। हिम्मत, शादी के लिए तुम्हारा नौकरी करना बहुत जरूरी था। अपनी घर गृहस्थी बसाने के लिए अपनी खुद की आमदनी होना जरूरी है। हाँ दीदी, यही सोच के मैं नौकरी ढूंढने निकल पड़ा। दिन भर भटकता रहा, कई ऑफिस, कई फैक्ट्री वालों से मिला, फिर मैं रस्तों की इंडस्ट्री के मालिक से मिला। उन्होंने मेरी जरूरत समझी और मुझे काम समझा दिया। सुना कुंती, अब हमारा हिम्मत नौकरी करने लगा है। हिम्मत, तुम्हें उस इंडस्ट्री में क्या काम करना होगा? काम तो दीदी वो मजदूरी का है, बोझा उठाने का। लेकिन दीदी मैं वो काम भी पूरी सच्चाई, लगन और ईमानदारी से करूंगा। दीदी मैं अपनी गृहस्थी अपनी मेहनत की कमाई से बसाना चाहता हूं। अब मुझे लगता है मैंने तुम्हें कुंती के लिए सही चुना। तुम कुंती के लिए सच्चे जीवन साथी साबित होगे। दीदी ये कुंती जी को क्या हुआ? लगता है उन्हें मेरी नौकरी की खबर सुन के खुशी नहीं हुई। उसे खुशी क्यों नहीं होगी? वो क्या है ना, संकोच और शर्म के मारे वो कुछ कह नहीं सकती ना, इसलिए चली गई। जानती है सरला दीदी, मैं ये बोझा उठाने को तैयार हुआ हूं तो सिर्फ कुंती जी के खातिर। दीदी मैं कुंती जी की खुशी के लिए कुछ भी करने को तैयार हूं। यह मैं जानती हूं और कुंती को भी यह समझना होगा। तुम कुंती की चिंता मत करो, पूरे लगन और मेहनत से काम करो, ईश्वर सदा तुम्हारा साथ देगा। हाँ दीदी, ईश्वर की कृपा और आपके आशीर्वाद से आज ही मेरा पहला दिन है, मुझे 9 बजे काम पे पहुंचना है। ईश्वर तुम्हें कामयाबी दे। अच्छा दीदी मैं चलता हूँ, नहीं तो देर हो जाएगी। आशीर्वाद दीजिए। जीते रहो। अच्छा दीजिए, नमस्ते। नमस्ते। कुंती, अब क्या मुझे ये भी सिखाना पड़ेगा कि कब किस तरह का व्यवहार करना चाहिए? मैंने क्या किया? वो हिम्मत बेचारा खुशखबरी सुनाने आया और तुम उसके सामने ऐसी चली आई जैसे तुम्हें उससे कोई मतलब नहीं है। मुझसे वहां खड़ा नहीं रह गया दीदी। आप जिस तरह से मुझे देख रही थी, मुझे सुनाकर बात कर रही थी, मुझे ये सब अच्छा नहीं लग रहा था। मैं तुझे सुना रही थी तो सिर्फ इसलिए कि देख उस हिम्मत में परिवर्तन देख। आज वो बोझा ढोने के लिए तैयार हुआ है, वो अपनी मेहनत और पसीने की रोटी खाना चाहते हैं। जानती हो क्यों? किस लिए? सिर्फ तुम्हारे लिए, तुम्हारी जिंदगी के लिए, तुम्हारा साथ देने के लिए।
मेरे लिए उन्हें बोझा उठाने की जरूरत नहीं है सरला दीदी। आज वो बोझ उठा रहा है वो इसलिए ताकि शादी के बाद घर गृहस्थी का बोझ उठा सके। तुम्हारी तरफ उसकी ये ईमानदारी और सच्चाई है। मतलब हिम्मत जी के किए का बोझ उनका इल्जाम भी मेरे ही नाम पर लगाया जाएगा। इल्जाम? इसमें इल्जाम की क्या बात है, बल्कि तुम्हें खुश होना चाहिए कि जो इंसान तुम्हारा साथ दे रहा है वो किस तरह का इंसान है। मतलब ये सरला दीदी, अगर हिम्मत जी मेरे लिए मजदूरी करने के लिए तैयार हो गए हैं तो मुझे भी उनसे शादी करने के लिए तैयार हो जाना चाहिए, यही चाहती है ना? तुझे हिम्मत पर भरोसा करना चाहिए, वो जो कुछ भी कर रहा है तुम्हारे लिए कर रहा है, वरना उसे ये सब करने की क्या जरूरत है। उन्हें करने के लिए कुछ मिला नहीं दीदी, ये काम करना उनके लिए मजबूरी है, और आप कहती हैं कि वो मेरी वजह से ये मेहनत करने के लिए तैयार हो गए। तो क्या तू उसे अनपढ़ समझती है? तो क्या आप उन्हें बहुत पढ़ा लिखा समझती है? वो अनपढ़ हो सकता है लेकिन अज्ञानी नहीं। अरे उसके सामने तो पढ़े लिखे बेकार है, देखना एक दिन वो बहुत बड़ा आदमी बनेगा। सरला दीदी, भगवान करे हिम्मत जी बहुत बड़े आदमी बन जाए, लेकिन मुझे अपनी इस जिंदगी से छुटकारा नहीं मिल सकता। क्यों? क्यों इस जिंदगी से बंदी रहना चाहती हो? ऐसा क्या सुख है इस जिंदगी में? मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सुख मेरा बेटा है, और उस सुख की खातिर मैं सिर्फ माँ बने रहना चाहती हूँ, किसी की पत्नी नहीं। पत्नी बनकर ही माँ कहलाई जा सकती है? लेकिन मैं अभागन तो पत्नी बनने से पहले ही माँ बन गई। इसलिए तो कहती हूँ जो गलती हुई उसे सुधार ले, ये अच्छा मौका है तुम्हारे लिए। अगर ये मौका गवा दिया तो तुझे जिंदगी भर पछताना पड़ेगा। हिम्मत के लिए सोच कुंती सोच, ऐसा अच्छा लड़का तुझे कभी नहीं मिलेगा। तू तो अंतर्यामी है, सबके दिल का हाल जान लेता है। जिसे पाने की मेरी इच्छा है, मेरा बच्चा, उसे तो इन लोगों ने मुझसे दूर कर दिया, और आज मेरी इच्छा के विरुद्ध ये लोग मुझे ऐसे बंधन में बांधना चाहते हैं जिस बंधन में बंधकर मैं जरा सा भी सुख नहीं पा सकती, और ना ही किसी और को भी सुखी रख सकती हूँ। मेरे जीवन पर सिर्फ मेरे बेटे का अधिकार है, और मैं ये अधिकार किसी और को नहीं दूंगी। इन लोगों को सद्बुद्धि दे कि ये लोग मेरा ये अधिकार मुझसे न छीने। बस यही मेरी आपसे प्रार्थना। संभाल के बाबा, संभाल के। क्या करते हैं आप इस उम्र में? आइए बैठिए। चोट तो नहीं लगी?
इस उम्र में इतना वजन। आप बैठ, मैं ये उठा के रख देता हूं। भगवान, भाई हिम्मत, आज पहले दिन ही परोपकार करना शुरू कर दिया? नहीं, वो बुजुर्ग आदमी है ना, मैं नहीं देख पाता तो वो गिर जाते, इसलिए मैंने मदद कर दी। तो फिर इनका बोझ कौन उठाएगा? सारा काम कौन करेगा? इनका तू करेगा? अगर ये बोझा नहीं उठा सकते तो इनको पगार कहां से मिलेगी? गुजारा कहां से होगा? क्या है कि मुझसे किसी की तकलीफ देखी नहीं जाती साहब। अरे ये दुनिया ही तकलीफों से भरी हुई है, इधर से दिमाग हटा, अपने काम पे लगा। हे बुधिया, चलो उठा टेम्पो लोड कर जल्दी। और सुन, अगर बोझा नहीं उठा सकता ना तो कल से काम पे मत आना, समझा? चल काम कर। और हिम्मत, तुझे इन लोगों को बढ़ावा देने की कोई जरूरत नहीं है। और सुन, तेरा आज पहला दिन है, तेरी इन हरकतों से ऐसा ना हो तेरा ये आखिरी दिन हो जाए। इन सबकी नसों से वाकिफ हूं मैं, सब काम चोर हैं। चल अपना काम कर, अब खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहा है? चल काम कर, चल काम कर। काशी और बुधिया, दोनों आप पगार लो। चलो एक एक करके यह साइन करो। ये लो, आगे आओ, यह साइन करो। ये लो, यहां साइन करो। ये लो। अरे हिम्मत, आओ पगार ले लो। यहां साइन करो नाम के आगे। ये लो।